तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 11। जैसे कि हमारे जो है 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आशा है कि आप जो है एनसीईआरटी वगैरह आपने कंप्लीट कर ली होगी साथ में, और जो उदाहरण वगैरह भी कुछ हमने देखे थे, और अभी हमारा जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट जो है वो चल रहा था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आशा है कि आप जो है वो पढ़ के आए होंगे, सारा एनसीईआरटी रीड करके आए होंगे, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी जो है रीड करके आइएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की श्रेणी के बारे में, और जो पहले यहाँ पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा उसको और डीप में पढ़ेंगे, बामर की पश्चिमी श्रेणी वगैरह उनको अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी है। जैसे कि मैंने उस वाले जो पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था पूरी सीरीज दिखाई थी, जिसमें ये जो है केवल बामर श्रेणी है, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, 364 से लेकर 656.3, मतलब 364.69 नैनोमीटर से 656.3 नैनोमीटर तक जो है ये श्रेणी होती है। तो इनको जो है वो जो है ये वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला, तो तरंग दैर्ध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला जो है किसने निकाला वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये इसमें आप में गौर करने वाली बात यह है कि जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप इसको देखिए, इसको देखिए और क्या, हाँ हाँ मैं अच्छे अच्छे से बना देता हूँ उनको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों जो है जो गोले आकार के मैंने बनाए हैं, इनमें से मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी बताइए सबसे ज्यादा लाइन आपको किस में दिख रही है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होने वाला है कि यार सबसे ज्यादा लाइन तो इसमें दिख रही है, उसके बाद जो है दो इसमें दिख रही है और एक इसमें दिख रही है, तो मतलब कुल मिला के जो है घटते घटते क्रम में दिखाई पड़ रही है। मतलब जो है यहाँ पे एच इन्फिनिटी और एच जो है ये डेल्टा वाले में ज्यादा लाइन है, जबकि एच गामा और एच बीटा में ये लाइन कम है, और एच अल्फा में तो ये एक है। जितने आप जैसे जैसे इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, ये लाइन आपको कम देखने को मिलनी है। इनके इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कि आपको कैसे देखने मिल रही है और कितनी कम देखने को आपको क्यों मिल रही है, और कैसे कैसे जो है आप इनको जो है देख सकते हो वो भी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से। तो चलिए आप देखते हैं इसको। तो हमें है आशा कर सकते हैं कि किसी तत्व विशेष से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियां कुछ नियमित पैटर्न दिखाएंगी। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जैसे कि कोई गैस होती है या मान लीजिए हाइड्रोजन है, जैसे कि मान लो कोई भी गैस होती है, इसको अगर हम उत्सर्जित करना चाहें तो हम उसमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको भाप दे सकते हैं, मतलब उसको कुछ उत्सर्जित करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम उसको गर्म कर सकते हैं, गर्म करने पर उत्सर्जित हो जाती है। तो गैस में जो है कुछ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी वजह से हमको कुछ जो है पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की किरणें दिखाई देती हैं। तो जब भी कोई भी लाइन को हम कोई गैस से पास करते हैं, तो जो है कुछ गैस अपने अंदर खींच लेती है, अवशोषण कर लेती है कुछ किरणों का, कुछ पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की किरणों का जो है वो अवशोषण कर लेती है, और बाकी जो है जो तरंग दैर्ध्य को जो सीधा चले जाने देती है। तो हम जो है इसको स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इसको देखते हैं कि किस किस वेवलेंथ को जो है इसको जिसने जाने दिया, और उस हिसाब से हम उस पैटर्न को पढ़ते हैं, जिसको बामर पाश्चन और लाइमर की सीरीज जो हमने नाम दिया। आज हम बामर श्रेणी पढ़ेंगे, वो भी हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को। हम पहले आपने बताया कि हाइड्रोजन का को पढ़ते हैं क्योंकि वो सरल है, उसको पढ़ना आसान है, इसलिए हम हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, वो इसमें भी बामर श्रेणी को जो है वो पढ़ने वाले हैं। और लायमन पाषाण जो है बामर श्रेणी से पढ़ने के बाद आपको लायमन पाषाण पढ़ने की उतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लायमन पाषाण आप खुद अपने आप से समझ जाएंगे बामर श्रेणी पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। सन 1885 में स्वीडन के एक स्कूल अध्यापक जॉन जेकॉब बामर, जो 1885 से 1825 से 1898 तक वो रहे, इन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इस प्रकार की पहली श्रेणी को देखा। और जो पहली श्रेणी कौन सी थी, बामर श्रेणी। पहली श्रेणी जो देखी गई थी वो थी बामर श्रेणी, इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। उन्होंने बामर ने निकाली थी, उनका जेकॉब बामर ने जो है इसको बना जो है बताया था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसको बामर श्रेणी जो है वो नाम दिया। चित्र 12.6 में आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए, लाल रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य जो जिसकी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, और जो है सबसे कम जो है वो अपनी वायलेट रंग की होती है, इसको नीली हरी जो कहते हैं, मतलब वायलेट रंग की होती है। और जो जो तरंग दैर्ध्य जो है 656.3 नैनोमीटर वाली रेखा को एच अल्फा इन्होंने नाम दिया, और 486.1 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की नीली हरी अगली रेखा को अल्फा हाइड्रोजन बीटा, और 434.1 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की बैंगनी रंग, बैंगनी रंग मैंने आपको बताया था कि जो है वायलेट कलर सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है।
फिर तीसरी रेखा को एच गामा इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे तरंग घटती जाती है, रेखाएं समीप होती प्रतीत होती हैं और उनकी तीव्रता कम होती जाती है। बामर ने रेखाओं को प्रेषित तरंग दैर्ध्य के लिए एक सरल अनुभाविक एम्पिरियल सूत्र ज्ञात किया, और ये सूत्र आपको सामने दिख रहा है। अभी देखिए, कहने का मतलब इनके हिसाब से ये है कि ये जो है लाल रंग की जो है हो सकती है विवलन, क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग सबसे ज्यादा होती है। और एक बात और, तरंग दर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो है आपको लाइनें जो है उतनी कम दिखाई दे बढ़ती जाएंगी, कि दूर दूर लाइन एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही है। जैसे जैसे आप जो है तरंग दर बढ़ती जाएंगी, लाइनें जो है वो दूर होती जाएंगी। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो देखिए, तो इन्होंने जो है एक सूत्र दिया था, और सूत्र जो है आपके सामने है। इस सूत्र में है जो अपन अलग अलग, इसमें जो है क्या, सबसे पहले है अपना लैम्डा जो कि है तरंग है, और ये जो आर है इसको बोलते हैं अपन रेड वर्क कॉन्स्टेंट, या फिर इसको रेड वर्क नियतांक बोलते हैं। और जो है एन स्क्वायर, ये जो है एन की वैल्यू है, जो कि इसको हम जो है अलग अलग इसको रख सकते हैं। ये जो है पूर्णांक मान होती है, तो 3, 4, 5 जो इंटीजर के फॉर्म में आप इसको 3, 4, 5 इत्यादि रख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसे भी रखना चाहें इसको रख सकते हैं। और जो है एक बात और याद रखिए, एन को जो आप बढ़ाते जाएंगे तो लैम्डा जो है वो घटता चला जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। एन को जितना बढ़ाओगे लैम्डा आपका मतलब तरंग दैर्ध्य उतनी कम होती जाएगी। तरंग दैर्ध्य को जितना बढ़ाओगे एन की वैल्यू, कुल मिला के एन की वैल्यू डिपेंड करता है। एन की वैल्यू बढ़ाई तो जो है अपना तरंग दैर्ध्य कम हो गया, एन की वैल्यू घटाई तरंग दैर्ध्य बढ़ गया। तो क्योंकि इसे फॉर्मूले के हिसाब से देखिए ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता था, आर एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। यहाँ एन के पूर्णांक मान 4, 5 और 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि हो सकते हैं, और घूमे। और आर का मान 1.097 × 10⁻¹⁷ है। इस समीकरण को बामर सूत्र कहते हैं। तो जो है ये इसी समीकरण को जो है बामर सूत्र कहते हैं, और इस वाले समीकरण को। और आर जो रिडबर्ग नियतांक जिसको मैंने आपको बताया, उसका मान होता है 1.097 × 10⁻¹⁷ m². सबसे ज्यादा इसकी जो याद रखिएगा, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स है, तो आपको याद रखनी है। और इसका जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1.097 × 10⁻¹⁷। और अभी मैं आपको इसको एक क्वेश्चन भी करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो समीकरण 12.5 जो मैंने आपको दिखाया है, जो ये समीकरण 12.5 में इस समीकरण को नाम दिया गया। और समीकरण 12.5 में एन की वैल्यू को 3 मानकर रेखा एच अल्फा की तरंग दैर्ध्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये रखा एक एक बटा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, 1/λ तरंग दैर्ध्य, और 1.097 × 10⁻¹⁷ जो है रेडबर्ग नियतांक हो गया। और ये जो है इसमें जो है एक एक 1/2 का स्क्वायर होना ही होना है, मतलब 1/2 की घात 2, मतलब 1/2 की घात 2 होना ही होना है। माइनस मतलब जो है घटाया, क्या घटाया, 1, यहाँ होता क्या था, यहाँ होना चाहिए था, फॉर्मूले में क्या था, 1.2 की घात 2 माइनस 1/(n)^2। एन की जगह लोगों ने 3 रखा है, क्योंकि जो है मैंने 3 मानकर रेखा अल्फा की तरंग दैर्ध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो तरंग निकाली गई वो निकाली गई 1.522 × 10⁶ m². और अर्थात लैम्डा जो निकाला गया नैनोमीटर में, तो इसको जो है 2 मिनट रुकिए, जरा मैं इसको देख लूँ, क्लियर और ड्राइंग। हाँ, चलिए, जैसा कि अब यहाँ पे देखने वाली आती है कि मैं बताता हूँ, 1/λ की वैल्यू क्या आई, 1/522 × 10⁶। तो अगर अपन को लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/λ है, ये 1/λ की इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको उल्टा करते हैं, 1/5 × 2 ×
10 की भाग 6, मतलब 1/1.522×10 की भाग 6 जो है, इसको सॉल्व करने पर, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू आएगी 6656.3 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप वैल्यू रख के, आप वो तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि अभी आप 3 की वैल्यू है तो आप 4 के लिए निकालिए, आप 5 के लिए निकालिए, आप 6 के लिए निकालिए, और आप 7 और 8 के लिए, मतलब जितना आप निकाल सकें। एक लिए 3 में निकाल दिया, आप 4, 5 और 6 रख के खुद निकालिएगा, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, और होमवर्क आपके लिए आप करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एन की वैल्यू मैं रखता हूँ अनंत यानी कि इन्फिनिटी, तो क्या हुआ देखते हैं। एक दशमलव 0972×10^7 1/2 इसमें से क्या घटाना है, 1/अनंत की घात 2, तो अनंत ही हो गया, तो उसको लिखना जरूरी है। और ये जो है हाँ, तो ये चीज जो है, ये वाली, ये तो 0 हो गई, क्योंकि 1/अनंत क्या होता है, अगर आपकी मैथ अच्छी होगी, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। जब आप इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 2×2/1 10^7। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी, तीन छ चार दशमलव 6 नैनोमीटर, इतनी जो है इसकी जो है आएगी। मतलब जब हम अनंत में ले गए एन को, मतलब जब हम एन को अनंत में ले गए, तो हमने ये पाया कि लैम्डा सबसे कम आना चाहिए। मैंने आपको बताया था जितना आप एन को बढ़ाओगे, आपका जो है तरंग दैर्ध्य उतनी कम होती जाएगी। तो एन को जब अनंत ले गए, तो लैम्डा सबसे, मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो अब ये लैम्डा सबसे कम है, और जो लैम्डा सबसे कम है बालमर सीरीज के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ 3, 6, 4.6 जो हमारा आंसर आया था। ये देखिए 3, 6, 4.6 जो है सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य है अपनी बारहवा सीरीज में, आप खुद ही देख सकते हैं। 3, 6, 4.6 यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे तो ज्यादा क्या है 656.3 नैनोमीटर। इसको आप जो है एन की वैल्यू 3 रखकर जो है, हमने अभी हल निकाल के जो है दिखाया आपको, मतलब 3 सबसे, एन की वैल्यू सबसे कम रखने पर तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, एन की वैल्यू सबसे ज्यादा रखने पर तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो समझिए इसका कैसे जो डिपेंड कर रहा है। और ये देखिए, ये जो है, इस मान के चलिए ये जो है लाल लाइट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो है लाल लाइट की। तो इसको पढ़ते हैं, एन बराबर 4 रखने पर हम रेखा एच बीटा की तरंग दैर्ध्य इसी तथा इसी प्रकार एन के विभिन्न मान रखकर अन्य रेखाओं की भी तरंग दैर्ध्य प्राप्त कर सकते हैं। एन बराबर अनंत लेकर तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 364.6 नैनोमीटर पर श्रेणी की सीमा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये सीमा है, इससे कम जो है तरंग दैर्ध्य नहीं दिखाई देगी आपको बारमर सीरीज में, इससे कम तरंग दैर्ध्य नहीं दिखाई देगी, ऐसे हम सीमा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बारमर सीरीज की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य है, इसी सीमा के आगे कोई स्पष्ट रेखा दिखाई नहीं देती है, केवल मंद सा स्तर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, मंद सा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, कोई जो है रेखा दिखाई नहीं देती है इसके आगे। तो आज हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम की श्रेणी, और इसके बारे में हमने फॉर्मूला देखा, जो बामर का फॉर्मूला था, और जो फॉर्मूला था 1/λ बराबर r/(2^2)-1/(n^2), और उसको हमने पढ़ा, उसके बाद एक बार हमने एन के वैल्यू रख के देखी। वो हमने देखा कि जो है लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, और जो जो एन पे जो है अब कैसे जो है एक दूसरे पर ये लोग
डिपेंड कर रहे हैं, कैसे जो है एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, और एन की वैल्यू बढ़ने से जो है कैसे मतलब तरंग दर कम आ रही है, और कैसे एन वैल्यू घटाने से जो है तरंग दर बढ़ रही है, कैसे एन वैल्यू बढ़ाने से तरंग दर घट रही है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा। और कलम क्या पढ़ी, कलम स्पेक्ट्रम की श्रेणी को आगे पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इसको कंप्लीट करेंगे। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, ये देर आपको मजा आएगा पढ़ने में, मेरी गारंटी है, क्योंकि इसका जो है आप न्यूमेरिकल लगाओगे और क्वेश्चंस लगाओगे, उदाहरण लगाओगे, आपको बहुत मजा आएगा लगाने में, और क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपसे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ तक एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, और कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके ये चैप्टर पूरा पढ़ के, मतलब ये टॉपिक पूरा पढ़ के आइएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कल। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, रखिए टाटा, बाय बाय।